प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग क्लास वन में पाठ 13 बंदर गया खेत में भाग कविता का प्रश्न देखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्या बिछाया क्या ओढ़ा, यह जो प्रश्न है बच्चों, क्या बिछाया जाए और क्या ओढ़ा जाए, इस पर आधारित दिया गया है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या है, बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। अब उस कविता में क्या दिया हुआ था, उस कविता में दिया गया था कि बंदर क्या करता है, तो साग पकाकर खा लेता है, पेट भर के खा लेता है और चलनी बिछा लेता है और सूप ओढ़कर सो जाता है। तो यहाँ पर अब प्रश्न क्या है, प्रश्न है लिखो ये कैसे सोएंगे। यहाँ पर भी जानवरों के नाम दिए गए हैं, ये जानवर कैसे सोएंगे, क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़कर सोएंगे, ये आपको बताना है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाथी, अब बताना है कि हाथी क्या बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा, सोचो और बताओ बच्चों। तो हाथी जो है, तो हाथी क्या करेगा बच्चों, हाथी पत्ता बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा, झाड़ी ओढ़ेगा। तो हम लोग चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। पत्ते बिछाएगा और ओढ़ेगा क्या, झाड़ियाँ। चलिए लिखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चींटी, अब बताना है कि चींटी क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे, सोचकर बताओ मुझे। तो क्या होगा उत्तर बच्चों, उत्तर होगा कि वह बालू बिछाएगा और तिनका ओढ़ेगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। बालू क्या करेगा, बिछाएगा और तिनके ओढ़ेगा। अगला प्रश्न है गिलहरी, अब बताओगे मुझे गिलहरी क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे, सोचो और बताओ मुझे, सोचो क्या होगा। तो घास बिछाएगा और पत्ते ओढ़ेगा। चलिए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। घास बिछाएंगे और पत्ते ओढ़ेंगे। अगला है शेर, अब बताना है कि शेर क्या करेगा बच्चों, सोचो और बताओ मुझे। तो शेर मृत जानवर का खाल ओढ़ेगा और मृत जानवर का खाल बिछाएगा भी। चलिए हम लोग लिखते हैं। मृत जानवर का खाल मृत जानवर का खाल, क्या हो उत्तर बच्चों, मृत जानवर का खाल बिछाएंगे और मृत जानवर का खाल ही ओढ़ेंगे, कौन, शेर। चलिए अब हम लोग प्रश्न और उत्तर एक साथ फिर से पढ़ते हैं। क्या है, हाथी क्या बिछाएंगे, पत्ते बिछाएंगे, झाड़ियां ओढ़ेंगे, चींटी बालू बिछाएंगे, तिनके ओढ़ेंगे।
बिछाएंगे और मृत जानवर का खाल ओढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखे हैं, क्या बिछाया क्या ओढ़ा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो चलिए बच्चों अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्या बिछाया क्या ओढ़ा का ही हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्या है बच्चों? एक पहाड़ का चित्र दिखाया गया है, जिस पहाड़ में क्या लिखा है, मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढूं क्या बिछाऊं। यहाँ पर एक चूहा है जो बोल रहा है कि मेरे लिए भी कुछ सोचो, क्या मैं बिछाऊंगा और क्या ओढूंगा। चलिए ये प्रश्न का उत्तर आप खुद से ढूंढोगे। यहाँ पर जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न है झटपट झटपट खटपट खटपट। अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो झटपट खटपट से दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। साग पकाया खदर बदर। अब उस कविता में क्या दिया था कि साग कैसे पकाया जा रहा है, तो खदर बदर करके साग को पकाया जा रहा है। अब बताना है सबने खाया, क्या लिखोगे बच्चों, सोचो और बताओ। तो हम लोग खाते हैं तो कैसा आवाज निकलता है, चपर चपर का आवाज निकलता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, खाया सबने चपर चपर। चलिए लिखते हैं। चपर चपर। तो यहां पर हम लोग क्या देखें, खाया सबने चपर चपर। अब पानी पिया, जब पानी पियोगे तो उस टाइम कैसा आवाज मुंह से निकलता है, सोचो और बताओ। तो हम लोग जब भी पानी पीते हैं या दूध पीते हैं, सुर सुर का आवाज निकलता है। पानी पिया सुर सुर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। सुर सुर। अगला प्रश्न क्या है? मारे खर्राके। जब हम लोग खर्राके लेते हैं या फिर आप लोग किसी बूढ़े को देखे होंगे खर्राके लेते हुए, तो यहाँ पर बताओगे कि उस टाइम कैसा आवाज मुंह से निकलता है बच्चों, खर खर करके आवाज निकलता है। मारे खर्राके खर खर। चलिए लिखते हैं। खर खर। अगला प्रश्न क्या है? गिरे पलंग। अगर हम लोग पलंग से गिरेंगे तो कैसा आवाज आता है, धम धम का आवाज आता है। हम लोग क्या लिखेंगे, धम 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 धम। चलिए अब हम लोग एक बार प्रश्न और उत्तर दोनों को पढ़ते हैं। साग पकाया खद्दर बद्दर, खाया सबने चपर चपर, पानी पिया सुर सुर, मारे खर्राके खर खर, गिरे पलंग धम धम। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखेंगे झटपट झटपट खटपट खटपट का। अब इसे आप समझोगे और इसको लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।